हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक स्ट्रीम। यहाँ पर सीएफ लीग का मैच हो रहा है एर्सनल वर्सेस बॉर्नमाउथ के बीच। ये मेरे लिए कोई नया मैच नहीं है, इन दोनों टीम्स को प्रीमियर लीग में तीन चार बार भिड़ते देखा है और तीनों चारों बार एर्सनल ही जीती है, वो भी क्लीन शीट से। मतलब ये मान लो कि एर्सनल एक किंग टीम है टॉप थ्री में जब ये टीम थी। अभी लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी और एर्सनल आर द पावरफुल टीम्स ऑफ प्रीमियर लीग। तो एर्सनल के लिए एक रिस्पेक्ट है दिल से, ये टीम पीछे रह गई लेकिन इतनी भी नहीं। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, फटाफट जाओ डिस्क्रिप्शन पे जाओ लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। बाकी आगे आपको यहाँ पर सब पता चल जाएगा, सो डोंट वरी। तो यहाँ पर चलते हैं, बात करें इस मैच की। एर्सनल फेवर करना है आपने, क्लियरली एर्सनल फेवर करना है भाई, सीधी बात है, क्योंकि बीओयू टीम को फेवर करोगे तो घुसोगे। तो आगे चलते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर मैं स्ट्राइकिंग की बात करूँ तो स्ट्राइकिंग सेक्शन से पहले, ये एक सीएफ लीग का मैच है। सीएफ मतलब फ्रेंडली लीग, ठीक है। ये जस्ट एक फ्रेंडली लीग है, इसमें कुछ कोई भी जीते कोई भी हारे कोई मान्यता उसकी नहीं है, मतलब वो एज अ रिकॉर्ड में भी हैंडल नहीं होता। तो ऐसा है कि इस मैच के अंदर सब्स्टिट्यूशन बहुत होगा, मतलब आप ये लगा लो सारे खेलेंगे, 45 मिनट बाद पूरी टीम सब्स्टिट्यूट होगी। हैवर्ट्स के लिए जीसस खेलेगा, 45 मिनट बाद सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो मार्टिनेली आ जाएगा, नकीतिया आ जाएगा। अगर ये सब्स्टिट्यूट होंगे तो ये किसी को भी मिडफील्डिंग से भेज देंगे, तो प्लेयर हर बंदा खेलने वाला है। अब डिपेंड करता है आपको ट्रस्ट किस पे। देखो मैं तो पहले ट्रस्ट करूंगा लाइनअप्स पे, मैं एक आधा सब्स्टिट्यूट लूंगा, ज़्यादा नहीं। सबसे पहले यू हैव टू टेक हैवर्ट्स, हैवर्ट्स ने इंटरनेशनल खेला यार, हैवर्ट्स इंटरनेशनल खेल के आया, तो इस बंदे में कोई कमी मेरे हिसाब से हो ही नहीं सकती। इस बंदे ने जो गोल मिस भी किए थे ना, उसमें भी एक मतलब मिठास थी। मैंने सारे इंटरनेशनल मैच देखे थे, पूरा यूरो देखा था, मज़ा कराया था इस बंदे ने। उसके बाद ना जीसस अब फिट है, मैं कहता हूँ कि जीसस को बेना चाहिए, मार्टिनेली से कहीं गुना बेटर है, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस है, ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और ऑपोजिशन टीम में डी सोलंके को मैं लूँगा, क्योंकि समैन्यू पीछे मैं पिछले मैच में खेला तो था, लेकिन कुछ क्या किया उसने, कुछ नहीं किया ना, 62 मिनट में पता नहीं सब्स्टिट्यूट हो गया। तो मैं तो कहता हूँ ये लोग बेवकूफ़ी कर रहे हैं। बीओयू टीम आज चाहे तो टॉप 10 में आ सकती है प्रीमियर लीग में, जो अब सीज़न शुरू होने वाला है, अगर खेले तो, पता नहीं डिस्क्वालीफाई ना हो गए हो। तो उसमें क्या है, सोलंके को भेजा करें ये लोग, और उनल को, उनल स्पेनिश लीग का सबसे फाड़ू प्लेयर है, इस ये बंदा गेटिफ टीम में था। और आप ये लगा लो पूरी की पूरी टीम एक तरफ हार जाती थी, लेकिन ये बंदा अपना गोल करके जाता ही जाता था, इतना फाड़ू प्लेयर है। उसके बाद मिडफील्डिंग की बात करूँ, साका के बाद आई एम गोइंग विद एल्ट्रोसार्ड। उसके बाद मैं ओडेगार्ड को भी लूँगा, क्योंकि मेरे को डिफेंडिंग का लालच ही नहीं है, पूरी डिफेंडिंग सब्स्टिट्यूट होने है भाई, अपन को क्लीन शीट का कोई लालच नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करें इधर एर्सनल टीम की, तो हो गई राय, मेरा बस चलता डेक्लन राइस को भी लेता लेकिन ले नहीं सकता। तो इनकी बात करें तो देखो इनके ना दो प्लेयर हैं जो इन एग्जिस्टेंस है तगड़े। पहला तो एम टवर्नियर, मैं जे क्लूवर्ट को इतना खास नहीं मानता, आर क्रिस्टी को इतना खास नहीं मानता, मैं सिनिस्टेरा को अच्छा मानता हूँ, अगर खेलेगा तो लूँगा, लेकिन अभी आई एम विद दिस प्लेयर। एंड बात करें डिफेंडिंग की तो मैगलेस के बाद बी वाइट की जगह विलियम सैलिबा। एंड बात करें इनके प्लेयर की, देन क्रैकर्स के साथ यहाँ पर मैं जाऊँगा। एंड बात करें यहाँ पर हम गोल कीपिंग की, देन एम ट्रेवर्स अगर खेला अच्छी बात है, अगर इन्होंने एज एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं खिलाया तो ये देख सकते हैं, इन्होंने पिछले मैच में भी इन्होंने अलेक्जेंडर पॉल्सन को खिलाया था, बट उसके बाद एक और सीएफ लीग का मैच हुआ था जिसमें नेटो खेला था, तो मैं अभी नेटो को सेव कर रहा हूँ। बात करें कैप्टन की, कप्तान रखो हैवर्ट्स को, वाइस कप्तान रखो साका को। साका ने इंटरनेशनल अपना इंग्लैंड भाई फाइनल में थी, और जो क्वार्टर फाइनल में गोल हुआ था ना वो इसके बदौलत हुआ था, ये ना करता तो टीम बाहर हो चुकी होती। तो मेरे लिए, मेरी नज़र में इसके लिए रिस्पेक्ट है, ये मेरी टीम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।